भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल बिग बॉस में कर चुके हैं एंट्री। जी हाँ, बिग बॉस 13 के सदस्य बन चुके हैं खेसारी लाल। वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए फिलहाल सीक्रेट रूम में खेसारी लाल दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खेसारी लाल यादव बिग बॉस सीजन 13 के स्टार्टिंग से ही कंटेस्टेंट होने वाले थे, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के चलते उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। खेसारी लाल से पहले बिग बॉस के घर में मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, मोनालिसा, संभावना सेठ और विक्रांत सिंह राजपूत नजर आ चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इस शो में खेसारी लाल की एंट्री के बाद इस शो का TRP और भी बढ़ने वाला है। खेसारी लाल यादव का स्टारडम YouTube पर भी देखने को आसानी से मिल सकता है, क्योंकि अक्सर उनके गाने वीडियोज YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर छाए रहते हैं। उनका एक भोजपुरी गाना 300 मिलियन से भी ज्यादा सुना गया है और इन सब का फायदा बिग बॉस को भी मिलने वाला है। गाइज, आपको क्या लगता है, खेसारी लाल यादव बिग बॉस 13 के विनर होंगे? वेल, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको देना चाहते हैं खेसारी लाल से जुड़ी एक अहम जानकारी। खेसारी लाल के बिग बॉस में कितनी फीस है, क्या ये खबर आप जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। दरअसल खेसारी की फीस एग्जैक्ट रिवील तो नहीं की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो जिन 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री घर में हुई है, उनकी फीस घर में अब तक रह रहे बाकी कंटेस्टेंट से बहुत ही ज़्यादा है। इस हिसाब से खेसारी लाल भी बिग बॉस के घर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।